मेल स्टेरिलिटी टोटल चार टाइप्स का होता है, फर्स्ट जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, MS। सेकेंड साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, थर्ड साइटोप्लाज्मिक एंड जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, इसको शॉर्ट में कहते हैं CGMS, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं GMS, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। फोर्थ केमिकली इंड्यूस्ड मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। अब देखिए जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी ये तीन प्रकार का होता है, फर्स्ट PGMS फोटो पीरियोडिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सेकेंड TGMS टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ये हो सकता है फोटो पीरियोडिक सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, थर्ड TRGMS, TRGMS ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो हम इसके फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय, और यू कैन से डिस्कवर्ड बाय लेविस एंड क्रो इन 1956, ठीक है, यानी लेविस और क्रो द्वारा ये 1956 में डिस्कवर हुआ। सेकेंड पॉइंट, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी, यानी इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी क्यों, क्योंकि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है ये न्यूक्लियर जीन द्वारा ही कंट्रोल्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या सकता है, कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियर जीन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, गवर्न बाय सिंगल रिसेसिव जीन, यानी जो ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है ये सिंगल रिसेसिव जीन द्वारा गवर्निंग है। जब ये सिंगल रिसेसिव जीन द्वारा गवर्न होगा तो हमेशा एक्सप्रेशन कब होगा, होमोजाइगस कंडीशन में, यानी जो मेल स्टेरिल जीन होगा वो जब होमोजाइगस कंडीशन होगा, मान लीजिए मेल स्टेरिल जीन नहीं है, ये होमोजाइगस कंडीशन होगा तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी किसी भी प्लांट्स में अगर ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में है तभी उसमें स्टेरिलिटी डेवलप होगी, ठीक है। अगर ये सिंगल है हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो उसमें स्टेरिलिटी डेवलप नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये जो रिसेसिव जीन है अपने आप को होमोजाइगस स्टेज में ही सिर्फ एक्सप्रेस कर सकता है। कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, ठीक है, जिसमें डोमिनेंट जीन द्वारा गवर्निंग होता है, तो ये एक्सेप्टेंस में क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट वीट सेफ्लावर एंड कॉटन। क्यों एक्सेप्टेंस है इसमें, क्योंकि ये क्या है, डोमिनेंट जीन द्वारा गवर्निंग है, डोमिनेंट जीन गवर्निंग मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। इसमें सेफ्लावर में, कॉटन में और वीट में डोमिनेंट जीन द्वारा स्टेरिलिटी डेवलप होती है, ठीक है। इसको क्या सिंगल जीन द्वारा है तो ये क्या होगा, मोनोजेनिक होगा या ओलिगोजेनिक कह सकते हैं, मोनोजेनिक से ओलिगोजेनिक, यानी मोस्ट ऑफ द केस मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, ओलिगोजेनिक होता है। तो अभी तो रिसेसिव का एक एक्सेप्टेंस क्या हो गया, डोमिनेंट जीन द्वारा। अब ये सिंगल जीन है, सिंगल रिसेसिव जीन, अब सिंगल के बाद मल्टी जीन गवर्निंग मेल स्टेरिलिटी भी डिस्कवर कर दी गई है, ठीक है। इसका क्या होगा, मल्टी जीन गवर्निंग मेल स्टेरिलिटी हैव बीन डिस्कवर्ड इन ब्रेसिका कंपेस्टिज, जीन क्या है इसमें, तो ब्रेसिका कंपेस्टिज में मल्टी जीन गवर्निंग मेल स्टेरिलिटी रिपोर्ट किया गया, डिस्कवर किया गया, ठीक है। जीन क्या था, मल्टी जीन BCPL,
BCPL जीन इन रेस्क्यू कंपेस्टी, यानी मोस्ट ऑफ द केस क्या था, सिंगल रिसेसिव जीन द्वारा गवर्निंग, इट्स ओके। तो मैक्सिमम मेल स्टेरिलिटी के केस में क्या था, जितने भी मेल स्टाइल जीन थे वो रिसेसिव द्वारा गवर्निंग थे, रिसेसिव जीन थे, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्टेंस हैं, जैसे वीट्स है, फ्लावर और कॉटन में डोमिनेंट जीन द्वारा भी गवर्न किए जाते हैं मेल स्टाइल जीन, ठीक है। इसके बाद सिंगल रिसेसिव जीन मैक्सिमम केस में था, यानी मैक्सिमम जो मेल स्टाइल जीन होता है वो मोनोजेनिक या ओलिगोजेनिक होता है मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। लेकिन इसका एक और एग्जांपल हमने देखा कि मल्टी जीन गवर्निंग मेल स्टाइल भी दिखा, इसमें रेसिका कंपेस्टीज में जीन क्या है, BCPL। नेक्स्ट, तो जो मेल स्टेरिलिटी होता है या फिर कह सकते हैं मेल स्टाइल जीन जो होता है वो मैक्सिमम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन द्वारा ही इंड्यूस होता है, डेवलप्ड बाय स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेल स्टाइल जीन होता है, ठीक है, ये म्यूटेशन द्वारा ही डेवलप होता है, ठीक है। अब देखिए म्यूटेशन मैक्सिमम केस में म्यूटेशन द्वारा ही डेवलप होता है, लेकिन इसको हम आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या सकता है, कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली थ्रू सम म्यूटाजन, तो कुछ ऐसे म्यूटाजन है जिनसे मेल स्टेरिलिटी क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है। तो क्या होंगे, कुछ कॉमन म्यूटाजन है, ठीक है, कॉमन म्यूटाजन क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड म्यूटाजन, इसमें दो ऐसे कॉमन म्यूटाजन है जिनका मैक्सिमम यूज किया जाता है, ये है गामा रेज एंड EMS। EMS का नाम आप सुने होंगे, इथाइल मिथेन सल्फोनेट, ठीक है, EMS ये होता है इथाइल मिथेन सल्फोनेट। इथाइल मिथेन सल्फोनेट ये जो म्यूटाजन है, ठीक है, इनको मैक्सिमम यूज किया जाता है टू क्रिएट मेल स्टेरिलिटी इम्प्लांट्स, ठीक है, गामा रेज एंड EMS, इथाइल मिथेन सल्फोनेट। ये तो कुछ कॉमन म्यूटाजन है जिनका यूज किया जाता है मेल स्टेरिलिटी को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। कुछ क्रॉप स्पेसिफिक भी है, ठीक है, जैसे पार्टिकुलर क्रॉप में कौन सा म्यूटाजन यूज होता है, क्रॉप स्पेसिफिक म्यूटाजन। तो क्रॉप स्पेसिफिक म्यूटाजन कौन कौन से हैं, फर्स्ट कोल्चिसिन, सेकेंड एथिडियम ब्रोमाइड, एसीटोन। तो कोल्चिसिन जो है वो किसमें यूज होता है, ज्वार, सोरगम कह सकते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड ग्राउंडनट, वीट एंड मेज। एसीटोन की बात करें, ये बार्ली में यूज होता है। तो ये कुछ क्रॉप स्पेसिफिक म्यूटाजन है, ठीक है, जैसे कोल्चिसिन ज्वार में यूज होता है, एथिडियम ब्रोमाइड ग्राउंड नट वीट एंड मेज में यूज होता है, एसीटोन बार्ली में यूज होता है। ये रहा कुछ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के बारे में शॉर्ट डिस्कशन, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ओके। तो हम बात करते हैं मेल स्टाइल लाइन को मेंटेन कैसे किया जाता है, जैसे अगर हमारे पास मेल स्टेरिलिटी क्रिएट हुई, जैसे म्यूटेशन से हमने मेल स्टेरिलिटी क्रिएट कर लिया, या फिर स्पॉन्टेनियसली म्यूटेशन से ही मेल स्टाइल जीन मिल गया, यानी हमको एक ऐसा प्लांट मिल गया जिसमें मेल स्टेरिलिटी होगी, ठीक है, तो उसको मेंटेन कैसे करेंगे, हम वेट तो करेंगे नहीं कि अगली बार भी ऑटोमेटिक ये म्यूटेंट जीन आ जाए, इसमें मेल स्टेरिलिटी क्रिएट हो जाए, ठीक है, हो सकता है कि हो या ना हो, ये तो स्पॉन्टेनियस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, या फिर हम आर्टिफिशियली क्रिएट करें बार बार। तो इससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमारे पास मेल स्टाइल लाइन मिला है, मेल स्टाइल जीन मिला है, उसको मेंटेन कर लें, यानी उसको हम मेंटेन करें, नेक्स्ट ईयर भी हम उसी से हाइब्रिड बना लें, ठीक है। तो उसको हम मेंटेन कैसे करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ मेल स्टाइल लाइन, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको मेल स्टाइल लाइन को चाहिए, आपको पता है मेल स्टाइल लाइन में अगर मेल स्टेरिलिटी है तो किस जीन से होता है, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी में रिसेसिव जीन से।
अब सिंगल रिसेसिव जीन से है, लेकिन कंडीशन क्या है, रिसेसिव जीन अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब ये होमोजाइगस स्टेट में होगा, यानी यहाँ से ये होमोजाइगस चाहिए। ये क्या हो गया, मेल स्टराइल लाइन, मेल स्टराइल लाइन। ये मान लीजिए हमको स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन द्वारा मिला है, ठीक है, इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल फर्टाइल लाइन से क्रॉस करा दीजिए, तो नॉर्मल फर्टाइल लाइन क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, नॉर्मल फर्टाइल प्लांट, फर्टाइल कर सकते हैं। इसका क्रॉस कराएंगे F1, क्या होगा, इस प्रकार का पॉपुलेशन मिलेगा F1 में। अब ये क्या होगा, फर्टाइल होगा या स्टराइल होगा, इसमें स्टराइल जीन तो है, लेकिन ये F1 क्या होगा, फुल्ली फर्टाइल होगा। क्यों, क्योंकि जो रिसेसिव जीन है ये अपने आप को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकता, इसके इफेक्ट को डोमिनेंट द्वारा मास्क कर दिया जाएगा, ठीक है, दबा दिया जाएगा। अब देखिए ये हमारा F1 तो फर्टाइल हो गया, अब हमको चाहिए स्टराइल, स्टराइल के लिए क्या करेंगे, इसमें सेल्फिंग, सेल्फिंग करेंगे, इसका क्या होगा, सेल्फिंग करके देख लीजिए, MS कैपिटल M माल MS, जब हम सेल्फिंग करेंगे तो हमको इट्स ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि लाइट चली है यहाँ पे, लाइट का थोड़ा सा कम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। जब हमने सेल्फिंग किया तो हमारे पास दो प्रकार के पॉपुलेशन मिलेंगे, या फिर कह सकते हैं हमारे पॉपुलेशन में F2 पॉपुलेशन में दो प्रकार के इंडिविजुअल मिलेंगे। ये तो फिनोटाइपिक दो टाइप के होंगे, जीनोटाइपिक तीन टाइप के होंगे। एक इंडिविजुअल ऐसा होगा जिनमें दोनों एलील जो है वो कैपिटल है, ठीक है, यानी डोमिनेंट कह सकते हैं। एक ऐसा आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, ठीक है, तो हमारा ये 3:1 का रेशियो मिलेगा, तो हमें 3:1 का रेशियो मिलेगा जिसमें तीन डोमिनेंट के साथ होंगे, एक रिसेसिव के साथ होगा, ठीक है। तो ये जो रिसेसिव के साथ होगा ये क्या होगा, मेल स्टराइल जीन होगा। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, कैपिटल M स्मॉल M, कैपिटल M स्मॉल S, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल होगा ये फर्टाइल होगा, कैपिटल M स्मॉल S, स्मॉल S M और स्मॉल S, ये भी क्या होगा, फर्टाइल होगा, ठीक है। स्टराइल कौन सा होगा, जो रिसेसिव होगा, ये क्या होगा, स्टराइल। तो ये हमको स्टराइल लाइन मिल गया, ठीक है। इस स्टराइल लाइन को अगर हम कम्प्लीटली यूज कर लेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, फिर से यहाँ से हमारा मेंटेनेंस के लिए नहीं बचेगा, तो क्या करेंगे, इसका एक तरफ क्रॉस भी कराएंगे, बैक क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि इसके वन ऑफ द पेरेंट्स हमको बैक क्रॉस कराना पड़ेगा, तो इसका बैक क्रॉस करा देंगे इसके फर्टाइल पेरेंट्स से, ठीक है, फिर उसका सेल्फिंग करा देंगे, जो सीड आएगा उसमें से स्टराइल लाइन का यूज करेंगे, कुछ स्टराइल लाइन का यूज कर लेंगे हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में, कुछ का फिर से बैक क्रॉस करा लेंगे, ठीक है। तो आप इस मेथड से इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं।